हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजित और मैं आपको अपने चैनल कस्टम लाइफ हैक में स्वागत करता हूँ। और आज की वीडियो में हम देखने वाले कि किसी भी 4 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 7 स्टेप मैंने दे रहे हैं, तो हमें इन्हीं को फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी 3 डिजिट मल्टीप्लाई और 2 डिजिट मल्टीप्लाई वाली वीडियो देखी है तो आपको ये वाली ट्रिक समझने में भी काफ़ी ईजी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं, जो कि है 6 मल्टीप्लाई बाई 8, तो होता है 54। यहाँ पर 48 होता है, यहाँ पर 8 मैं लिख दूँगा और 4 को यहाँ पर लिख के ऐड कर दूँगा। ऐड हमें किससे करना है, जिस इन दोनों से, जैसे कि सेकंड स्टेप में दे रखा है। तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 40 प्लस यहाँ पर हमारा 6 9, तो 6 9 हो गया हमारा 54। चलिए अभी ने ऐड कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 98। तो 8 मैं लिख देता हूँ अगेन, इसके बाद यहाँ पर 9 लिख के ऐड करता हूँ। और उसके बाद हम थर्ड स्टेप करेंगे। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 9 में ऐड कर देना है। तो करते हैं, सबसे पहले 1 8 8 प्लस 6 2 12, उसके बाद 5 9 45। तो ये हो गया। अब जब हम इसे टोटल कर लेंगे हमारा आएगा 74। तो चलिए यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, उसके बाद 4 हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद 7 गया हमारा कैरी में। 7 में हम क्या ऐड कर लेंगे, जो 4 स्टेप में आएगा। तो 4 स्टेप में करते हैं, इसमें हमें 8 2 16 प्लस 6 उसके बाद 6 3 18 प्लस 1 9 9 और 5 2 10। चलिए इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 60 लिख देता हूँ, हमारा 60 आ गया। तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं और 6 को कैरी में ले लेंगे। ऐड करने के बाद 4th स्टेप कंप्लीट। अब हम आते हैं 5th स्टेप पर। 5th स्टेप में यहाँ पर 9 2 18 प्लस हमारा 5 3 15 ऐड कर लेते हैं। फिर हम अपना 1 2 2, तो इसको ऐड करने पे हमारा आएगा, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कितना, 41। तो इसमें हम 1 यहाँ पर लिख लेंगे, 4 को कैरी ले लेंगे। और 4 में क्या ऐड करना है, 6th स्टेप के लिए 2 2 4 प्लस 3 1 3, तो इसमें आ जाएगा हमारा 8 8 प्लस 3 11 11 आ गया। हम यहाँ पर 1 को कैरी में ले लेंगे, 1 को यहाँ पर लिख के 1 को कैरी में ले लेंगे। इसमें हमारा अब लास्ट स्टेप बचा है, जिसे हम करेंगे 3 2 6 और हमारा आ जाएगा 7 और यहाँ पर क्या लिखना है, 7। तो हमारा आंसर है 7 1 1 0 4 8 8। चलिए अब हम इसे आंसर को चेक भी करते हैं। तो जो हमारा नंबर था वो था 2 1 5 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 9 8 2 9 8। तो हमारा आंसर भी ऐसे ही आया था, 7 1 1 0 4 8 8। तो यही होगा हमारा आंसर। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ नीचे एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई इस पूरी ट्रिक में, और इस वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं कर रखा, ताकि आप और भी ऐसी ट्रिक्स वाली वीडियो देख सकें। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट वीडियो।